हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचनास किचन। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो ज़्यादातर शादियों और पार्टियों में ही मिलती है, जिसका नाम है वेज तवा फ्राई मसाला। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को पूरा देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू उबाल के, 4-5 दाने अरबी के, इसे भी मैंने उबाल लिया है, थोड़ी सी भिंडी, 4 छोटे बैंगन और 4-5 करेले। अब सब्जियों में सबसे पहले भिंडी को मैं इस तरह से काट लूँगी। अब बैंगन को तैयार करने के लिए उसमें ऐसे क्रॉस कट लगा देंगे। अब सभी करेलों को इस तरह से छीलकर उनमें कट लगाकर नमक लगा देंगे, जिससे करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी। अब अरबी को भी छीलकर उसे लंबाई में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल भी काट सकते हैं। यहाँ मैंने उबले हुए आलुओं को भी छीलकर गोल टुकड़ों में काट लिया है। अब हमारी सारी सब्जियाँ डीप फ्राई करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बैंगन फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, जिन्हें लगभग 3 से 4 मिनट फ्राइंग में लगेंगे। अब मैंने यहाँ भिंडी डाल दी है, जिसे लगभग 3 मिनट लगेंगे। हल्का रंग बदलने लगे तो भिंडी को निकाल लेंगे। अब मैंने तेल में आलू के टुकड़े डाल दिए हैं, जिन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी और फिर उन्हें निकाल लूंगी। अब बारी है अरबी के टुकड़ों की, इन्हें भी मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लूंगी। अब नमक लगे करेलों को मैंने अच्छे से धोकर निचोड़ लिया है, उन्हें भी मैं फ्राई कर लूंगी। करेले फ्राई होने में भी 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अब हम एक बाउल में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून सॉल्ट के साथ एक ड्राई मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसे हम फ्राइड वेजिटेबल्स के ऊपर कोट कर देंगे। अब मैरिनेशन के इस प्रोसेस के बाद हम चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ, जिसमें हम अपनी फ्राइड वेजिटेबल्स के लिए ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसे मैं ब्लेंडर में अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और ऑयल गर्म होने पर उसमें 1 चुटकी हींग डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें बनाई हुई टमाटर की पेस्ट डाल दूंगी। इस पेस्ट को कुछ देर भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक तेल मसाले से अलग ना हो जाए। अब मसाले से तेल अलग हो चुका है तो इसमें हम नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ ही में 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी हथेली में मसलते हुए इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब मसाले को अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे और फिर उसमें हरा धनिया मिलाकर उसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है, जिसे मैंने लो फ्लेम पर रखा है। आप चाहें तो नॉनस्टिक की जगह कोई लोहे का तवा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी फ्राई करी हुई वेजिटेबल्स को इस तवे पे अरेंज कर लिया है। अब अपनी पसंद की तवा फ्राई रेडी करने के लिए मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून बटर डाल लिया है और अपनी पसंद की कुछ वेजिटेबल्स के टुकड़े ले लिए हैं।
अब इन सारी वेजिटेबल्स को मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 2 चम्मच ग्रेवी मसाला डालेंगे और फिर उसे मिक्स करके साथ ही में 2 चम्मच पानी भी डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अब पानी सूख जाने पर इस पे थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। और याद रखें कि ये सारा प्रोसेस एकदम लो फ्लेम पे होना है। तवा फ्राई का इतना पोर्शन बनाने में हमें लगभग 3 मिनट लगेंगे। अब इसी प्रोसीजर के साथ हम सारी सब्जियों को बना लेंगे। अब तवे पे रखी हर सब्जी बनाने के लिए आप अपने अंदाजे से ग्रेवी का मसाला कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब गर्मा गर्म वेज तवा फ्राई मसाला हम सर्व कर लेंगे। इसे आप तंदूरी रोटी या लच्छा पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।